बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंथली लेट आवर्स एंड सैलरी कैलकुलेट करनी है, ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ एक फॉर्मेट मेरे पास बना हुआ है, सीरियल नेम डिजिग्नेशन आवर्स टाइम इन टाइम आउट पर डे आवर्स। अब मंथली ये सारा रिकॉर्ड है, 1 लिख के 30 तक जितना आपको बनाना है डेज का, ये मैंने मंथली बनाया हुआ है। तो 31 तक मैंने ट्रैक किया हुआ है, और हर एम्प्लॉय की इन आउट टाइमिंग करी हुई डेली की, ठीक है जी। 9 AM स्टार्ट हुआ और 5 PM पे ऑफ हुआ, और यहाँ फार्मूले लगे हुए हैं हर एम्प्लॉय की पूरी मंथली। और फिर उसके बाद जब ये रिकॉर्ड बनेगा उसमें से टोटल उनके मंथली कितने आवर्स दिए हैं, और उनके टोटल 8 आवर्स के हिसाब से स्टैंडर्ड टाइम 8 घंटे ड्यूटी होती है, तो उसको मंथली मल्टीप्लाई करेंगे 31 से, तो यहाँ 248 आवर्स बने हुए। और फिर उसके बाद बेसिक्स उनकी लिखी हुई है कि इतनी इनकी बेसिक्स है, उनके पर आवर देखने, और पर आवर के बाद जो टोटल उनको पे करनी है वो हमने की हुई है, और यहाँ पर उनकी लेट काउंट है, ठीक है जी, कितने दिन वो लेट हुए हैं। तो इससे भी आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि इतनी लेट है तो इतनी उनकी डिटेक्शन होगी। यहाँ एक इस तरह से मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है, बाकी इसमें आप जो भी अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं जिस तरह से आपको कैलकुलेशन करनी होगी। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या क्या काम किया हुआ है हमने, ये हम कैलकुलेट करते हैं। फार्मूले कौन कौन से अप्लाई हुए हैं, तो इसकी मैं कॉपी ले लेता हूँ एक। यहाँ पर आ जाएंगे, राइट क्लिक, मूव कॉपी, ठीक है जी। और यहाँ से हम न्यू क्रिएट अ कॉपी पे क्लिक करेंगे, ओके, ठीक है जी। सेम उसकी 2 आ गई सेकंड, और इसमें से अब हम 0 से मैं बताऊंगा, तो ये सिंपल डेटा एंट्री है। और इसमें जो फॉर्मेटिंग वगैरह है ये मैंने अपने शास्त्र वीडियो चैनल पहले भी बताई हुई है, कई दफ़ा किस तरह से होगी आप जाके दे सकते हैं। जहाँ जहाँ फार्मूले हैं वो सेल में क्लियर कर रहा हूँ, और फिर वहाँ से जहाँ से फार्मूले लगेंगे वो स्टेप्स में बताऊँगा आपको, ठीक है जी। अब यहाँ फर्स्ट जो एम्प्लॉई है इसका मैंने जो फार्मूला तो क्लियर किया हुआ है, बाकी इसी तरह से ये फार्मूले भी आप फिल लगाएंगे और राइट साइड इसको फिल कर देंगे। जो फार्मूला यहाँ लगेगा वही सेम हर एम्प्लॉय का, जहाँ टाइम इन आउट हुआ है उनका आवर्स चेक करने के लिए पर डे का, तो वो आप ये फार्मूले को अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हम लगाते हैं इक्वल सिंपल टाइम आउट सेल माइनस कर देंगे टाइम इन, एंटर, इनके आवर्स आ जाएंगे। और यहाँ पे सेल के ऊपर आएंगे, कर्सर लेके राइट क्लिक, जहाँ तक जितने दिन का आपका रिकॉर्ड होगा वहाँ तक इसको फार्मूले को राइट फिल कर देंगे। अब जिनकी टाइमिंग पूरी होगी उनके 8 आवर, जिनका शॉर्ट टाइम हुआ अगर जैसे यह है 5 पे, तो उनके नेट आवर्स आ जाएंगे कि 7:55 पे इन्होंने एंट्री करी है, यानी जितने भी उनके टाइम इन आउट होंगे कंट्रोल जेड कर रहा हूँ मैं, उस हिसाब से उनके आवर्स आ जाएंगे। अब टोटल आवर्स कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, और यहाँ से जहाँ टाइम इन आउट किया हुआ है इस सेल से क्लिक करते हुए पूरी रॉ जहाँ से फार्मूला हमने अप्लाई करा था फर्स्ट सेल से इस तक सिलेक्ट करेंगे ब्रैकेट क्लोज प्लस, ठीक है जी। इंटर करेंगे तो इनके आवर्स आ जाएंगे, इंटर के बाद सेल के एंड पे जाएंगे कर्सर लेके और नीचे इसको ड्रैग करेंगे। अब यहाँ ड्रैग किस तरह से सही हो रहा है, क्योंकि यहाँ तो 3 रो हैं और 3 रो में से हमने इस वाली रो को टोटल करा है और उसको ड्रैग करा है, तो यहाँ मैंने इस सेल को जहाँ 3री रो में हमारे पास आवर्स आ रहे हैं जिनको हमने सम किया है इंटायर रो को, तो ये हमने किया हुआ है मर्ज। जब एक सेल को आप मर्ज करके नीचे ड्रैग करेंगे तो 3-3 लाइन का एक एम्प्लॉय का डेटा है, तो वही उस तरह से नीचे ड्रैग होकर आएगी कंडीशन सीक्वेंस आपकी, ठीक है जी। तो फर्स्ट हमारे टोटल आवर्स, अगर ये इस तरह से आंसर आ रहा हो सकता है जब आप अप्लाई करें सम तो ये मिनट्स आवर्स इस तरह से नहीं आ रहे हो, तो इसके लिए आपको एक काम करना होगा, इसका फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। और फॉर्मेट चेंज करने के लिए आप इंटायर ट्रैक करने के बाद कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और फिर नंबर सेक्शन में जाएंगे इस सेटिंग के अंदर, नंबर फॉर्मेट, और यहाँ कस्टम में जाएंगे आप, और कस्टम में जाके ये वाला फॉर्मेट सिलेक्ट करेंगे, ठीक है जी। बड़ा ब्रैकेट जो होता है उसमें आवर्स दे देंगे, फिर बड़ा ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉलन और फिर MM, तो ये इस तरह से ये फॉर्मेट में आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। और सेम इसके अगर हम बात करें तो इसके लिए टाइम सेक्शन और 13:30 का जो है फॉर्मेट सिलेक्ट हुआ हुआ, ये जो 8 आवर्स हमारे पास लिखे हुए आ रहे, तो इसका भी अगर फॉर्मेट इस तरह से नहीं आ रहा हो तो यहाँ नंबर फॉर्मेट में सेल का कंट्रोल होता है,
इसमें से जो फॉर्मेट मैंने बताया वो आप फिर सेलेक्ट करेंगे प्रैक्टिस करते वक्त। मंथली आवर्स, अब देखें मंथली जो है वो डेज़ के हिसाब से मैंने यहाँ एंट्री करी हुई, यानी 30 डेज़ का अगर मंथ है तो यहाँ 30, और अगर 31 कह दें 31 आ जाएगा। स्टैंडर्ड आवर्स मैंने बताया 8 घंटे ड्यूटी होती है आपकी, जितने आवर्स होंगे वो आप यहाँ लिख सकते हैं। मंथली आवर्स देखने के लिए इक्वल इसको डिवाइड कर देंगे स्टैंडर्ड आवर्स से और ड्रैग करेंगे यहाँ से, तो इन दोनों को F4 एब्सोल्यूट कर देंगे। इसको भी सिलेक्ट कर रहे हैं F4 और इसको भी सिलेक्ट कर रहे हैं F4, ठीक है जी, इंटर, और इसको हम कर रहे हैं नीचे ड्रैग। अच्छा, डिवाइड कर दिया, डबल क्लिक एडिट, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करेंगे। मंथली जो डेज होंगे 31 मैंने एंट्री करी हुई है यहाँ पे, इसको सिलेक्ट करेंगे F4 ड्रैग करने के लिए, मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड जो डेली के आवर्स होंगे, तो इनके टोटल मंथली आ जाएंगे कि 248 आवर्स मंथली बनते हैं। सेल के एंड पे आएंगे और ड्रैग कर देंगे, ठीक है जी। यहाँ से जनरल भी रख सकते हैं, इधर मैंने डेसिमल ऐड करे हुए हैं, इंक्रीज डेसिमल से आपको नंबर, तो यहाँ नंबर फॉर्मेट लिखा हुआ है, जनरल लिखने नंबर फॉर्मेट में आ रहा होगा, दोनों कोई मसला नहीं है। बेसिक सैलरी डायरेक्ट एंट्री हुई हुई है, ठीक है जी, यहाँ मैंने एंट्री कर दी, जिस एम्प्लॉय की जो सैलरी होगी वो यहाँ पर लिख लेंगे डायरेक्ट। और उसके बाद यहाँ पर आवर देखने के लिए बेसिक सेल फर्स्ट डिवाइड मंथली डेज डिवाइड स्टैंडर्ड आवर्स, ठीक है जी। बेसिक को डिवाइड किया हमने मंथली जो डेज है वो, तो उनका जो होगा पर डे आएगा, पर डे के बाद जो आ रहा है उसमें हमने डिवाइड कर दिया आवर्स, तो उनका पर आवर आ जाएगा। इस तरह से इनको F4 एब्सोल्यूट कर देंगे यहाँ पर, ये जो दो सेल ऊपर से सिलेक्ट हो रहे हैं इन दोनों को F4 एब्सोल्यूट, तो इनके जो है वो पर आवर आ जाएंगे। सेल के एंड पे आएंगे और नीचे ड्रैग कर देंगे, टोटल पे के लिए फर्स्ट सेल में इक्वल टोटल आवर्स मल्टीप्लाई पर आवर्स, ठीक है जी, यानी जो आवर्स इनके बने मंथली उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं पर आवर्स से, जो जो उनके टोटल आवर्स पूरे आ रहे होंगे 248 आवर्स जो उनके मंथली बनते हैं हमने कैलकुलेट किए, तो उनकी फुल सैलरी लिखी हुई यहाँ पर आएगी, और जिनके शॉर्ट आवर्स होंगे उसको मल्टीप्लाई पर आवर्स से कर रहे हैं, तो डिडक्शन के बाद जो उनको पे करनी है वो सैलरी उनकी यहाँ पर लिखी हुई आ जाएगी। एंटर, ठीक है जी, अब 25 थी लेकिन इनके आवर्स पूरा नहीं है 245, तो इनकी शॉर्ट पे लिखी हुई आ गई 84,228। सेल के एंड पे आएंगे और नीचे ट्रैक, अब देखें यहाँ पर 247 थे तो 50,000 सैलरी है इनकी, इनकी डिडक्शन हो गई 49,798। इसी तरह जिनके आवर्स पूरे मैच हो रहे हैं 248 248, 60,000 60,000, ठीक है जी, जिनके आवर्स कंप्लीट आ रहे हैं उनकी सैलरी भी यहाँ पूरी कंप्लीट आ रही है जो पे करनी है। तो यहाँ तक तो होगी जो सैलरी का मुझे कैलकुलेट का बताना था, इसके अंदर आवर्स के हिसाब से या मंथली जितने उन्होंने काम किए उन आवर्स के हिसाब से उनको पे करना है, और फिर प्लस अगर हमें लेट काउंट देखना है तो लेट काउंट में सिर्फ बता रहा हूँ किस तरह से कैलकुलेट होगा अगर, लेकिन लेट से अगर आपको कैलकुलेट करके देना है, जैसे अक्सर रूल्स होते हैं कि 3 लेट का एक डिटेक्शन होगी आपकी मंथली, तो वो आप इसमें फिर आगे मजीद काम कर सकते हैं उस कंडीशन के हिसाब से भी। तो लेट काउंट के लिए हम क्या करते हैं, काउंट इफ लगा लें, काउंट इफ के बाद ये सारे सेल मैंने तीन तीन जो सेल हो रहे थे रॉ के वो एक करके मर्ज किया हुआ है, तो इसलिए जो मैं ड्रैग कर रहा हूँ सही तरीके से, जिस एम्प्लॉय का जो रिकॉर्ड है तीन तीन रॉ के अंदर वो रिकॉर्ड आ रहा है, तो उसी हिसाब से वो ड्रैग हो रहा है, ठीक है जी। यहाँ यानी इस सेक्शन के अंदर जो भी हम काम कर रहे हो हर तीन तीन सेल को जो है रॉ को मर्ज किया हुआ और एक सेल बनाया हुआ है हमने, ठीक है जी, तो इसलिए ड्रैग में हमें प्रॉब्लम नहीं आ रही। रेंज के अंदर क्या करेंगे, यही फर्स्ट जो आ रहा है टाइम ड्यूटी आवर्स के लिए जो फार्मूला लगाया था उसको सिलेक्ट करना है, और ऑल इंटायर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उनका फार्मूला पर डे आवर्स का देखने के लिए इसको सिलेक्ट करेंगे पूरी रेंज को। फार्मूला बार में देख लें, फार्मूला श्योर है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेस देन 8 आवर्स का रिकॉर्ड चाहिए, तो यहाँ पर 08:00, इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे लेट आवर्स, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। जैसे इंटर करेंगे अब देखें यहाँ पर इनकी एक ही लेट आ रही है। सेल के एंड पर आएंगे और नीचे ट्रैक करेंगे, जिनके आवर्स पूरे होंगे उनका 0 और जिनके आवर्स शॉर्ट होंगे उनकी लेट बताएगा ये आपको। अब जैसे यहाँ पर 1 है, अगर मैं 31 तारीख को भी देर से है इनका टाइम मैं यहाँ पर कर देता हूँ 9:20, ऑटोमेटिक उनकी लेट, उनकी पे चेंज हो जाएगी आवर्स के हिसाब से, जितने काम कर रहे हैं वो उनकी पे बन जाएगी इसकी। तो ये आप सैलरी स्लिप वगैरह के ऊपर भी प्रिंट करके
हैंड आउट कर सकते हैं इस तरह से, पे उनकी कैलकुलेशन कितने वर्स उन्होंने काम किया है पर आवर्स क्या बना उनका, कितनी लेट थी, रुपए कितना किया है, तो स्लिप वगैरह बना के भी उनको आप दे सकते हैं, इस तरह की कैलकुलेशन करेंगे। और प्लस पूरा मंथली रिकॉर्ड तो आप मेंटेन कर ही रहे हैं, तो ये वहाँ जो टाइम कीपिंग की जॉब करते हैं, जो टाइम रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करते हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। या सैलरी वगैरह का बनाते हैं तो इस फॉर्मेट्स को फॉलो करके भी वो कैलकुलेशन में ले सकते हैं अपनी। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, वीडियो हेल्पफुल रही है और अच्छी लगी वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अलग अलग कंडीशन के हिसाब से जो क्राइटेरिया हो सकते हैं वो अप्लाई करेंगे, आने वाली वीडियो के अंदर कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह सलाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।